बलिया में लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने बलिया नगर पालिका की मुश्किलें बढ़ा दी है। बलिया की सड़कें जलमग्न हो चुकी है। ये सड़क बलिया के सतीश चंद डिग्री कॉलेज के सामने की दिखा रहे हैं, जहां पर राहगीरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आने जाने वाले पैदल जो राहगीर हैं उनको अत्यंत ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका में हुए विकास की पोल खोल कर रख दी है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर लोग पैदल जो आ जा रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बलिया नगर पालिका की सड़कें हों या बलिया कोतवाली की तस्वीर है, जहां हुई मूसलाधार बारिश से बलिया कोतवाली का ये परिसर भी पानी से जलमग्न हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बलिया नगर पालिका की तस्वीरें और बलिया कोतवाली की तस्वीरें जो जलमग्न हो चुकी है। जल की निकासी की समस्या जस की तस बनी हुई है। बलिया नगर पालिका में बारिश होते ही सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं बलिया कोतवाली में आए हुए फरियादियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें हम बलिया कोतवाली की भी दिखा रहे हैं, जो लगातार हुई मूसलाधार बारिश से जलमग्न हो चुकी है। आपका? मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। अब्दुल, ये अभी कहाँ खड़े हैं और क्या स्थिति है यहाँ पे? हम अभी एसी कॉलेज पर खड़े हुए हैं और यहाँ का स्थिति बहुत जर्जर हो चुका है। और यहाँ पे प्रतिदिन रिक्शा हुआ चाहे बाइक हुआ, प्रतिदिन गिरते रहते हैं लोग। अभी भी देखिए यहाँ पे नाला बन रहा है, इसका भी काम रुका हुआ है। नेता लोग को इतना समझ नहीं आता है कि बरसात आने से पहले हम पानी का निकासी का व्यवस्था करें। जब चुनाव आता है तो दुआरी दुआरी घूम कर कोई भी नेता हो, बसपा का, सपा का, कोई भी भाजपा का हो नेता, कोई भी हो, लेकिन जब चुनाव आता है तो अपना मुंह लेकर चले आते हैं। इतना शर्म नहीं आता है नेताओं लोग को कि हम क्या मतलब कि पानी का व्यवस्था, निकासी का व्यवस्था करें या ना करें, बस हमको वोट से मतलब है। कितनी दिक्कत हो रही है आने जाने? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन के सरकार से मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। क्या दिख रहा है अभी? अभी बहुत ज्यादा स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील दुबे है। मैं आचार्य पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मारक समिति ओझोलिया का सचिव हूँ। देखा जा रहा कि अभी आपका जहाँ खड़े हैं क्या स्थिति हालात है यहाँ की? देखिए बद से बदतर स्थिति है, नारकीय स्थिति हो गई है। वो भी बलिया मुख्य जो है एसी कॉलेज के पास, जो कि एक शिक्षा स्थल है और सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और इस जगह पर इस तरह की व्यवस्था देखने पे काफ़ी जो है शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे बलिया में इतना खराब व्यवस्था। और थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो यहाँ पर पानी लग जाता है, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उनको अपना कपड़ा थोड़ा सा उठा करके चलना पड़ता है, देख करके मन शर्म से जो है छुप जाता है। ये इसकी जो है व्यवस्था जरूर जो है नगर पालिका परिषद और जिला प्रशासन को करनी चाहिए। लेकिन यहाँ की जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं यहाँ पे बार बार कहते हैं, मंचों से भी कहते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है और विकास ही विकास हुआ है। नहीं, ये तो कहने की बातें हैं। हकीकत जो धरातल पर हम देख रहे हैं उसे हम आँख बंद करने से सूर्य जो है वो विलुप्त नहीं हो जाता है। इसी तरह जो मौके पर हम लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं और पूरी जनता, बलिया की जनता झेल रही है। मैं चेयरमैन साहब से भी निवेदन करूंगा कि एक बार आकर के मौका मुआयना करके देखिए कि कितना जो है जनता तकलीफ में है, कष्ट में है, और उसका समाधान करना आपका दायित्व बनता है, आपका पारंपरिक कर्तव्य बनता है, और इसी के लिए जनता आपको चुना है। अगर वो काम आप नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने पद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।